Audio Jungle. नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। कोटड़ा खुर्द गांव में पानी की किल्लत से लोगों की बदहाली की डीटीएन पर दिखाई खबर से तंत्र जागा, अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे कोटड़ा खुर्द। सड़क व गटर संबंधी मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिया आवेदन पत्र। आदिवासी महिला कुकिंग कॉन्टेस्ट की सेमीफाइनल का दाहोद में हुआ आयोजन। और नगर पालिका की त्रिमासिक सामान्य सभा चली पौने घंटे तक, दसों मुद्दे सर्वसम्मति से हुए पारित। समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं डीटीएन इंपैक्ट, यानी कि डीटीएन की असर की। दाहोद के कोटड़ा खुर्द गांव में पानी की किल्लत से लोगों की बदहाली। जी हां, हमने अपने पिछले प्रसारण में ये खबर आप तक पहुंचाई थी, जिसके चलते दाहोद के तमाम अधिकारी व कर्मचारी जागे और रुख किया कोटड़ा खुर्द गांव का। दाहोद के कोटड़ा खुर्द गांव में पानी से लबालब भरा हुआ कुआं होते हुए भी गांव वालों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, जो मुद्दा हमने अपने पिछले प्रसारण में उठाया था, जिसके चलते तंत्र यकायक नींद से जागा और रुख किया कोटड़ा खुर्द गांव का। मामला कुछ यूं था कि लगभग 2000 की बस्ती वाले गांव कोटड़ा खुर्द में कुआं है, जिसमें भरपूर पानी भी है। लोगों को सुविधा मिल सके इस हेतु से सरकारी योजना के तहत कुएं में मोटर भी लगवाई गई थी, पाइपलाइन डाली गई थी, जिसे गांव के प्रत्येक फलिए के घर घर तक पहुंचाया भी गया था। इतना ही नहीं, बिजली का कनेक्शन भी लगवाया गया था। इतना कुछ होने के बावजूद भी योजना रही ज्यों की त्यों और पानी की किल्लत भी रही इस गांव में ज्यों की त्यों। डीटीएन प्रसारण के पश्चात तंत्र जागा और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टीम पहुंची कोटड़ा खुर्द गांव, जहां सर्वे किया गया, कुएं की मोटर को चालू किया गया, पाइपलाइन में अधिकांश जगहों पर लीकेज पाए गए, जिन्हें रिपेयर कर बंद करवा दिया गया। साथ ही कई जगहों पर नल भी लगवा दिए गए और तत्काल प्रभाव से हर 5-6 मकानों के बीच हाल फिलहाल नल आदि लगवाकर पानी की सुविधा मुहैया कराने का आयोजन तंत्र द्वारा किया गया। साथ ही हर घर तक पानी पाइपलाइन के मार्फत पहुँचे व नल आदि भी लगे, इस दिशा में भी तंत्र द्वारा कार्यवाही हाथ में ली गई, जिसके चलते गांव वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने ली राहत की सांस। पछी टेस्टिंग कामगिरी करी, अवाड़ा बवाड़ में पानी चालू करी तो कार्यरत करी तो अपने ये था। पछी थोड़ू सीसी रस्तो कहीं ग्राम पंचायत कहीं बनाया हो तो एम लाइन तोड़ी नाखी, ये पण अमे नाखी आपी। अने पछी कहीं जी बीनू थोड़ो वच्चे केबल जी आवे ने ये कहीं थोड़ी ग्रामीजनों द्वारा अथवा तो कोई शख्स द्वारा तोड़फोड़ करी नाखेली। पछी तात्कालिक आ फरियाद मड़ी ले करी आप्यो हूँ 2 दिवस में, अने योजना अमे टेस्टिंग करी कार्यक्रम प्रायोजित होने चालू कर दीजिए। पड़ाव से यश मार्केट तक रास्ते व गटर की बात को लेकर दाहोद की आम आदमी पार्टी ने दाहोद नगर पालिका चीफ ऑफिसर को दिया आवेदन पत्र। एक तरफ तो दाहोद स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दाहोद शहर में ही पड़ाव से यश मार्केट की ओर जाने वाला रास्ता तथा
भोईवाड़, पिंजड़वाड़ आदि के रास्तों की हालत बिस्मार कही जा सकती है। जहां एक तरफ दाहोद के अधिकांश रास्तों का नवीनीकरण हो चुका, वहीं अब तक ये रास्ते अछूते रहे हैं। न तो इनका नवीनीकरण हुआ और ना ही रिपेयरिंग काम ही हुआ है। यहां उल्लेखनीय है कि दाहोद का यश मार्केट थोक बंद व्यापारियों का बड़ा मथक है, जिससे यहां पर बड़े वाहनों की अधिक आवाजाही लगी रहती है। खस्ता हाल रस्तों की वजह से विस्तार के लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बार बार कई बार इस संदर्भ में नगर पालिका को सूचनाएं देने के बावजूद भी अब तक नगर पालिका द्वारा जनहित में कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसा विस्तार के लोगों का कहना है। जिसके चलते दाहोद आम आदमी पार्टी द्वारा पड़ाव से यश मार्केट तक तथा आसपास के अन्य विस्तारों में रास्तों तथा गटर लाइन के दुरुस्तीकरण की यथाशीघ्र कार्यवाही को लेकर आवेदन पत्र दिया गया नगर पालिका चीफ ऑफिसर को। साथ ही अब भी पालिका तंत्र नहीं जागा और इन समस्याओं का योग्य समाधान समय रहते नहीं किया गया तो आंदोलन किए जाने की बात भी आम आदमी पार्टी द्वारा कही गई। दाहोद के प्रसंग पार्टी प्लॉट में अभी हाल ही में आदिवासी महिला कुकिंग कॉन्टेस्ट की सेमीफाइनल का हुआ आयोजन। महिला सशक्तिकरण तथा आदिवासी महिलाओं का भी सर्वांगी विकास हो, वो भी आगे आए, वह रसोई में चूल्हा व उससे निकलने वाले हानिकारक धुएं को छोड़ आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकें, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी महिलाओं के लिए कुकिंग कंटेस्ट का आयोजन दाहोद जिले के विविध मथकों पर किया गया। उनमें से चुनिंदा महिलाएं जो विविध कुकिंग की कसौटियों को पार करके उभर के सामने आई, ऐसी 10 महिलाएं जिनमें एक पुरुष का भी समावेश होता है के बीच सेमीफाइनल अभी हाल ही में दाहोद के प्रसंग पार्टी प्लॉट में आयोजित किया गया। डीडीओ दाहोद के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित इस प्रतियोगिता में भारी तादाद में लोग रहे उपस्थित। 10 प्रत्याशियों को 1 घंटा 10 मिनट का समय दिया गया, जिसमें इन प्रतियोगियों ने बहुत ही लजीज, आकर्षक तथा बेहतरीन व्यंजन बनाए, जिन्हें देखकर हर कोई आकर्षित हुआ और हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी 5-स्टार होटल से कम दिखलाई नहीं पड़ रहे थे ये व्यंजन जो इन प्रतियोगियों द्वारा बनाए गए थे। बहरहाल इस कुकिंग कंटेस्ट की सेमीफाइनल में हर प्रत्याशी का उत्साह देखते ही बनता था। नगरपालिका त्रिमासिक सामान्य सभा अभी हाल ही में अटल ग्रंथालय में हुई संपन्न। 10 मुद्दों के लिए तकरीबन 1.5 घंटे तक चली त्रिमासिक सामान्य सभा। दाहोद नगरपालिका की त्रिमासिक सामान्य सभा दाहोद के अटल ग्रंथालय में आयोजित की गई। हर बार की तरह वही सामान्य सी प्रक्रिया, वंदे मातरम गान के साथ सामान्य सभा का हुआ शुभारंभ। नगरपालिका के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित इस सभा में उप प्रमुख, नगरपालिका चीफ ऑफिसर, चेयरमैन, काउंसिलर सहित नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद। इस त्रिमासिक सामान्य सभा में स्मार्ट सिटी सहित के मात्र 10 मुद्दों का किया गया था समावेश। अमूमन तौर पर मुद्दे चाहे 40 हो या फिर 50 उपरांत, चुटकियों में तमाम मुद्दे पारित हो जाया करते थे और सभा बर्खास्त कर दी जाती थी, किंतु इस बार विरोध पक्ष आक्रामक दिखलाई पड़ा। अपनी अहमियत बताते हुए विरोध पक्ष ने हर मुद्दे पर विरोध व्यक्त करते हुए बहस की। हालांकि बहस के बाद सभी तमाम 10 मुद्दों को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया, किंतु 10 मुद्दों की सामान्य सभा इस बार
चुटकियों में न सिमट कर तकरीबन चली 40 से 45 मिनट तक और फिर शांतिपूर्ण वातावरण में हुई राष्ट्रगीत के साथ संपन्न। गोधरा रोड पर चंदन चाल स्थित एक मकान में अचानक लगी आग, कोई जानहानि नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोधरा रोड पर चंदन चाल स्थित एक मकान में अचानक आग लग जाने से मची अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि इस मकान में उपले रखे हुए थे जिसमें किन्हीं कारणों से अचानक लगी आग। फौरन इस घटना संबंधी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और आग पर पाया गया काबू। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। और अब चलते चलते दोस्तों चलते चलते हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, दोस्तों गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात का दौरा करेंगे और उसमें भी गुजरात के दाहोद में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का करेंगे लॉन्चिंग, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी हां, 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं दाहोद उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग के लिए। और इस मौके पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां रहेंगे उपस्थित, तो ये दाहोद के लिए गौरव की बात कही जा सकती है। दो, दोस्तों गर्मी की है शुरुआत, यानी कि गर्मी का आगाज हो चुका है, अंजाम तो अभी बाकी है, लेकिन अभी से बढ़ता हुआ तापमान, बढ़ती हुई गर्मी लोगों को हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी का एहसास करा रही है। और ऐसे में दिन में चलती हैं हीट वेव्स जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गर्मी में जाने से परहेज करें और अगर गर्मी में बाहर निकलना पड़े तो अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक कर ही इस गर्मी में बाहर निकलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भरपूर पानी पीजिए, लिक्विड जितना ज्यादा पी सकते हैं, चाहे वो पानी हो, नारियल पानी हो, जूस हो या फिर नींबू पानी, कोई भी प्रवाही ज्यादा से ज्यादा इस गर्मी के मौसम में पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Audio Jungle.